भीड़, भाषण, गोली और खून। पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला। कौन करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप का मर्डर? सवालों के घेरे में अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। इंडिया में सुबह के करीब 4 बज रहे थे। रविवार का दिन और अमेरिका में होता है जानलेवा हमला, वो भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप की हत्या कौन करना चाहता है, किसे मिलेगा इससे फायदा और कौन है गोली चलाने वाला हमलावर? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी एक गोली तेजी के साथ आती है। लेकिन आज ट्रंप की किस्मत अच्छी थी, वो शूटर का निशाना चूक गया। ट्रंप के कान को गोली छू कर निकल जाती है। ट्रंप के कान और मुंह पर खून ही खून दिखाई देता है। इस हमले ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हमलावरों ने सिर्फ 100 मीटर की दूरी से पूर्व राष्ट्रपति पर निशाना बनाया हालांकि सीक्रेट सर्विस ने हमलावरों को तुरंत मार गिराया। सीक्रेट सर्विस ने बताया कि ट्रंप पर हमला करने वाले दोनों शूटरों को तुरंत ढेर कर दिया गया है। शूटर ने AR-15 स्टाइल राइफल का इस्तेमाल किया था। घटना स्थल से ये राइफल बरामद किया गया है। सीक्रेट सर्विस ने ये भी जानकारी दी कि हमले में 2 से ज्यादा लोग शामिल थे। अब सवाल ये है कि भले ही शूटर को मार दिया गया हो, लेकिन रैली से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की गई थी? ट्रंप के शूटर का हमले से पहले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो ट्रंप से बेइंतहा नफरत करता है, वो रिपब्लिकन पार्टी से भी नफरत करता है। ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शूटर की पहचान हो गई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने शूटर की पहचान 20 साल के लड़के के रूप में की है। उसका नाम जॉर्ज थॉमस था, वो पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। बताया जा रहा है कि ट्रंप की पार्टी से भी वो जुड़ा हुआ था। सोचिए, कोई व्यक्ति किसी नेता से नफरत करता है तो क्या वाकई में उसे हक हो जाता है उस नेता को जान से मारने का? नहीं। ये सवाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक अमेरिका पर भी उठता है कि कैसी हथियार पॉलिसी वहाँ चल रही है कि वहाँ एक 20 साल के लड़के को हथियार मिल जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसे हमले अमेरिका में हुए हो। कभी स्कूल में तो कभी रेस्टोरेंट में हमले की खबरें सामने आती रहती है। सीक्रेट सर्विस पर भी सवाल ये है कि जब ट्रंप की रैली थी तो आसपास की बड़ी बिल्डिंग पर सीक्रेट सर्विस के लोग क्यों नहीं मौजूद थे कि हमलावर आसानी से वहां पहुंच गए? पूर्व राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, एक सरसराहट की आवाज और गोलियों की आवाज सुनकर मैं तुरंत समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है। तुरंत गोली मेरी त्वचा को छू कर निकल गई। बहुत सारा खून निकल गया था तो मुझे एहसास हुआ कि क्या कुछ हो रहा है। इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले पूर्व राष्ट्रपति ने सीक्रेट सर्विस दूसरी कानूनी एजेंसियों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, सबसे खास बात यह है कि मैं रैली में मारे गए व्यक्तियों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बुरी तरह घायल हुए अन्य व्यक्तियों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये विश्वास करने लायक नहीं है कि हमारे देश में इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। शूटर के बारे में इस समय कुछ पता नहीं है, जो अब मर चुका है। उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, गॉड ब्लेस अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले रैली के दौरान इस तरह की जानलेवा हमला हर किसी को डराने के लिए काफी है। और क्या ये मामला जितना सीधा दिख रहा है क्या उतना ही है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका में राष्ट्रपति थे तब दूसरे देश खासकर नॉर्थ कोरिया के साथ जिस तरीके से उनका वार पलटवार देखने को मिलता रहा, जुबानी जंग एक तरीके से देखने को मिलते रहे, ऐसे में कहीं ये दूसरे देश की भी कोई साजिश तो नहीं है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका वो देश है जिसके पास सुपर पावर है। अमेरिका वो देश है जिसके पास सुरक्षा व्यवस्था सबसे बेस्ट है। अमेरिका वो देश है जहाँ के राष्ट्रपति सबसे ताकतवर कहलाए जाते हैं।
ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति पर यह जानलेवा हमला अमेरिका के लिए एक काले धब्बे से कम नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।